अब जंक फूड खाने वालों के लिए एक बुरी खबर आ चुकी है, क्योंकि अब पिज्ज़ा और बर्गर खाने वालों को अपनी आदत छोड़नी होगी। जी हाँ, इन दिनों खबर आ रही है कि अब पिज्ज़ा और बर्गर की दुकानों पर बैन लगा दिया गया है, जिसके बाद शायद आप अपना फेवरेट पिज्ज़ा और बर्गर का मज़ा नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली कैंट के एरिया में सभी रेडी और पटरी पर पिज्ज़ा और बर्गर की दुकानों को बंद कर दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि पिज्ज़ा और बर्गर हाइजीनिक नहीं होता है, जिसके तहत सभी रेडी और पटरी पर बर्गर, पिज्ज़ा और नॉनवेज आइटम बेचने वालों की सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है। बता दें कि पिज्ज़ा और बर्गर को लेकर पहले कई बार शिकायतें आ चुकी हैं, जिसको लेकर दिल्ली कैंट बोर्ड के CEO बी रेडी शंकर बाबू ने इन्हें हाइजेनिक ना होने के कारण बंद करने का फैसला किया है। इनके ऑर्डर पर अब तक शास्त्री और सदर की करीब 15 दुकानों को बंद कर दिया गया है। वायरल कीड़ा न्यूज़।